जय हिंद दोस्तों। चीन ने सबसे बड़ा अपना युद्धपोत कैरियर को परीक्षण के लिए उतार दिया है, जिसका नाम फ्यूजियान है। फ्यूजियान युद्धपोत कैरियर यानी कि फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। फ्यूजियान आल्सो नोन एज द टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही एयरक्राफ्ट खड़ा करेगा। अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत और चीन के बीच जो एक निर्णायक भूमिका निभाएगा वो यही युद्धपोत निभाने वाला है। China's first wholly indigenously designed aircraft carrier. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर काफी ज्यादा एडवांस है और चीन ने इसे अमेरिका को देखते हुए बनाया है, क्योंकि अमेरिका के पास भी काफी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि काफी एडवांस हैं, और अमेरिका का समुद्र में एक छत्र राज इन्हीं वजह से चलता है। लेकिन चीन अमेरिका को काउंटर करने के लिए और चीन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए हिंद महासागर जो कि चीन का जिस रास्ते से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन ने फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को परीक्षण के लिए उतारा है। दोस्तों आइए आपको पूरे डिटेल में बताते हैं कि इस युद्धपोत कैरियर से भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इंडियन नेवी की ताकत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या चाइनीज नेवी इंडियन नेवी पर दबाव बना पाएगी, आइए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर एयरफोर्स नेवी और आर्मी से रिलेटेड न्यूज जानकारी अपलोड होते ही रहते हैं जो कि आपके नॉलेज को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। The Fujian has a displacement of more than 80,000 tons aircraft carrier which features a cattle bar system in addition to electric. दोस्तों फ्यूजियान कैरियर चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे और ये तीसरे नंबर का है, यानी कि इससे पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास थे जिसका नाम लियांगनिंग और सेंडोंग है। यानी कि जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज नेवी में था यानी कि चीन की नेवी में था उसका नाम था लियांगनिंग, दूसरा सेंडोंग, और तीसरा जो चीन ने 2024 में परीक्षण के लिए चाइनीज नेवी के लिए समुद्र में उतारा है उसका नाम है फ्यूजियान, और यही युद्धपोत कैरियर चीन का सबसे ज्यादा एडवांस युद्धपोत कैरियर है। दोस्तों इसकी लंबाई 316 मीटर की है और ये सबसे ज्यादा भारी युद्धपोत कैरियर की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, और इसके सेंसर भी काफी ज्यादा एडवांस है। इसके रनवे की लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसके रनवे की लंबाई 200 मीटर के आसपास है, लेकिन 200 मीटर भले रनवे की लंबाई हो लेकिन इसमें इसके रनवे में कैटावार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। दोस्तों कैटावार टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं। अब मान लीजिए 200 मीटर रनवे जो कि काफ़ी छोटा होगा, एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट जब इस पे टेक ऑफ करेंगी तो इतने कम समय में इतनी कम दूरी में वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो कैटावार सिस्टम ये होता है, रनवे के नीचे एक व्हील लगा होता है जो कि फाइटर जेट को पकड़कर और अपने तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे टेक ऑफ करने में मदद करते हैं, इसी को कैटावार टेक्नोलॉजी कहा जाता है जो कि फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा हुआ है, और इसकी लैंडिंग के लिए भी इसमें एक रस्सी लगा हुआ है जो कि फाइटर जेट को अपनी ओर खींचते हैं। जब फाइटर जेट इस पर लैंडिंग करेगा उतनी ज्यादा स्पीड में लैंडिंग करेगा, और रनवे छोटे होने की वजह से इसमें पुलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। हालांकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कोई खास है नहीं, ये टेक्नोलॉजी लगभग आज के युग में लगभग सभी एयरक्राफ्ट कैरियर में होते ही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन 2017 में बनाना शुरू किया था और ये 2024 में परीक्षण के दौर से गुजरेगा। चाइनीज नेवी एक साल तक इसे अपने स्तर पर परीक्षण करेगी, इसे अपने स्तर पर इस्तेमाल करके देखेगी, यानी कि पूरे 2024 ये परीक्षण की दौर से गुजरेगा, और फिर 2025 में हो सकता है इसे यानी कि फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइनीज नेवी में शामिल कर दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-35 फाइटर जेट यानी कि जो काफी एडवांस फाइटर जेट है, चीन के पास अगर अभी कोई सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट है तो वो J-35 फाइटर जेट ही है, और वही फाइटर जेट फ्यूजियान एयरक्राफ्ट पर तैनात रहेगी, मौजूद रहेगी, इसके साथ इसको सपोर्ट देने के लिए और भी कई सारे फाइटर जेट मौजूद रहेंगे, अटैकिंग हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेंगे यानी कि तैनात रहेंगे फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर।
साथ ही फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर सेल्फ डिफेंस के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगे होंगे, जो कि इसे दुश्मनों के आने वाले मिसाइल्स के बचाएगी, दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगी। साथ ही जो इसका रडार होगा दोस्तों, वो सबसे ज्यादा खास है। फ्यूजियान एयरक्राफ्ट का रडार आयताकार है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस है और काफी दूरी तक, ये काफी दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट को, दुश्मन के मिसाइल को कैच कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है। और यही टेक्नोलॉजी फ्यूजियान एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब दोस्तों, अगर हम इसे भारत के साथ कंपेयर करें, यानी कि इंडियन नेवी के पास फ्यूजियान एयरक्राफ्ट जितना एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसे काउंटर करने के लिए कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो भारत के पास है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रांत अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है और ये पूरी तरह स्वदेशी युद्ध पोत है। लेकिन दोस्तों, हालांकि विक्रांत हमारे पास पहले भी थी, जो कि हमने ब्रिटेन से शायद लिए हुए थे, और विक्रमादित्य रूस की एयरक्राफ्ट है। लेकिन विक्रांत भी संभव है कि 2024 के लास्ट होते होते तक विक्रांत को भी, INS विक्रांत को भी इंडियन नेवी में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो INS विक्रांत भी काफी ज्यादा अच्छी एयरक्राफ्ट है और काफी कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाली है। अब दोस्तों, पूरी डिटेल जब सामने आएगी, जब फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइनीज नेवी में शामिल किया जाएगा, उसके बाद पूरी डिटेल सामने आएगी, इसकी क्या कुछ कैपेसिटी है वो पूरी तरह से सामने आएगी। दोस्तों, आप इस अपडेट के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी तरह के वीडियोज पाते रहने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका दिन शुभ हो, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।